एक दिन एक जौहरी और एक लोहे के व्यापारी अपने अपने गधों पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जौहरी के गधे की पीठ पर रेशम का कपड़ा था और वह सोने की सिक्के और कीमती जवाहरात से भरे हुए दो थैले ढो रहा था। वहीं लोहे के व्यापारी का गधा साधारण था, वह कुछ लोहे की छड़ें ढो रहा था। जौहरी के गधे को अपनी पीठ पर कीमती सामान होने के कारण घमंड हो गया। उसकी घमंड वाली बातें दूसरा गधा सुन रहा था। दुर्भाग्य से जब वो एक जंगल से जा रहे थे, डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें रोक लिया। डाकुओं को देखकर जौहरी और व्यापारी अपने अपने गधों को छोड़कर भाग खड़े हुए। डाकू सामान को देखने लगे। उन्हें लोहे के व्यापारी के गधे की पीठ पर रखे सामान में कुछ भी कीमती सामान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। जौहरी के घमंडी गधे की पीठ पर कीमती सामान देखकर वे उस पर लदे थैलों से सामान निकालने लगे। अब गधा जरा सा भी विरोध करता, उसे खूब जोर जोर से मारते। इस तरह घमंडी गधे को सबक मिल गया, घमंड करना ठीक नहीं है। घमंडी लोगों को हमेशा नीचा देखना पड़ता है।